एसटीटीपी स्टूडेंट्स, आई एम प्रतिमा फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल, NH 9, डिंग रोड, सिरसा। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट किया था कॉन्टिनेंट्स एंड हाइड्रोस्फीयर। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ओशियंस। ओशियंस जो है हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है। द ओशियन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। ओशियन वाटर जो है हमेशा मूविंग में ही रहता है, मीन्स कि फ्लो करता रहता है। द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर्स आर द वेव्स। ओशन का जो ओशन में जो मूवमेंट होती है, मीन्स कि जो पानी फ्लो करता है, उसकी थ्री टाइप्स की मूवमेंट होती हैं। कौन कौन सी? वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशन करंट्स। द फाइव मेजर ओशन आर द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड द इंडियन ओशन, द साउदर्न ओशन एंड द आर्कटिक ओशन। ओके, फाइव ये जो है मेजर ओशंस हैं, बड़े बड़े ओशंस हैं। कौन सा? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड द आर्कटिक ओशन, इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज। ये सभी जो हैं अब साइज के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं। सबसे मेजर कौन सा है? पैसिफिक, उसके बाद अटलांटिक, देन इंडियन, साउदर्न, देन लास्ट में आर्कटिक ओशन। ओके, नाउ द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। जैसे कि हमने रीड किया, पैसिफिक ओशन जो है सबसे लार्जेस्ट ओशन है अर्थ का, जिसका अर्थ का 1/3 पार्ट में फैला हुआ है। पैसिफिक ओशन जो है अर्थ के 1/3 पार्ट में जो है फैला हुआ है। मारियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन। जो मारियाना ट्रेंच है, सबसे गहरा पार्ट, जो डीपेस्ट पार्ट जो है अर्थ का, वो कहाँ लाई करता है? पैसिफिक ओशन में ही लाई करता है। ओके, द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। जो पैसिफिक ओशन है, लगभग जो है उसकी शेप कैसी है? सर्कुलर है, सर्कुलर में। ओके, नाउ द एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज सराउंड इट। जो हमने कॉन्टिनेंट्स रीड किए थे, कौन कौन से? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज, ये सब क्या हैं? इसके चारों ओर हैं, सराउंड इट। ठीक है, ये चारों कॉन्टिनेंट जो हैं इसी के आस सराउंड हैं, इसके चारों तरफ हैं। ओके, द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशन। आपको क्या करना है? आपको अब मैप देखना है, जो हो पेज नंबर 31 पे है। यहाँ पे आपने ओशन सर्च करने हैं। सबसे पहले देखना है पैसिफिक ओशन कहाँ है। पैसिफिक ओशन के आसपास जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, एशिया, साउथ अमेरिका, वो सारे आपने देखने कि कौन कौन से उसके चारों तरफ हैं। सो पैसिफिक ओशन हो गया हमारा। नाउ देखते हैं अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अटलांटिक कौन सा है? दूसरे नंबर पे जो है, कौन सा है? लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का। इट इज़ एस शेप्ड। इसकी शेप कैसी है? एस, मीन्स कि अगर हम इसकी शेप ऊपर से देखेंगे किसी सैटेलाइट या जो भी किसी थ्रू, तो फोटोग्राफ में इसकी शेप आएगी एस जैसी। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज ऑन द वेस्ट साइड। ये क्या है? फ्लैंक्ड है कहाँ पे? नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज ऑफ द वेस्ट साइड। वेस्ट साइड के नॉर्थ और साउथ अमेरिका में। फ्लैंक्ड मीन्स होता है फैला हुआ। इसका फैलाव है कौन सा? अटलांटिक ओशन का फैलाव कहाँ है? नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज ऑन द वेस्ट साइड। यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। यूरोप और अफ्रीका में क्या है? ईस्टर्न साइड पे है। नॉर्थ और साउथ अमेरिका में वेस्टर्न साइड पे है इसका फैलाव। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स डील लोकेशन आइडियल लोकेशन फॉर
नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। अब इसका जो इररेगुलर इंडेंटेड है, इंडेंटेड मीन्स होता है जो कि एक एज टाइप मीन्स किनारा टाइप शो करता है, तीखा किनारा टाइप शो करता है। कोस्ट लाइन होता है तट, एक तट के रूप में, किनारे के रूप में प्रोवाइड होती है हमें एक आइडियल लोकेशन अटलांटिक ओशन की जो है इन कॉन्टिनेंट्स पे, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज के वेस्ट साइड, यूरोप एंड अफ्रीका के ईस्ट साइड में जो इसकी शार्पनेस आती है कोस्ट लाइन की, मीन्स की जो इसका किनारा आता है काफ़ी शार्प होता है, एज्ड होता है। एज्ड मीन्स जिसका किनारा निकला हुआ होता है, ठीक है। तो इस तरह इस ओशन का एक बहुत ही अच्छी लोकेशन प्रोवाइड करता है जहाँ हम घूमने जा सकते हैं, देखने जा सकते हैं काफ़ी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसका जो देखने का दृश्य है, वो काफ़ी सारा दिन देखने में बिजी ही लगता है ये ओशन जहाँ पे भी है, ठीक है। इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। एक इंडियन ओशन ही ऐसा ओशन है जिसका नेम जो है उसकी कंट्री, एक कंट्री पे है, दैट इज इंडिया। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। इसकी शेप कैसी है? ऑलमोस्ट जो है ट्रायंगल देखा है आप लोगों ने, आप ड्रॉ करते हो ट्रायंगल लाइक दिस ट्रायंगल, ओके। इस ऐसी सी कुछ शेप है इसकी। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया। नॉर्थ में क्या है ये? एशिया से बाउंड है। इन द वेस्ट बाय अफ्रीका, और वेस्ट से जो है अफ्रीका से बाउंड है। एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो अगर ये ट्रायंगल है तो इसकी थ्री साइड्स होगी, तो किस किस से बाउंड है ये? नॉर्थ में एशिया से बाउंड है, वेस्ट से अफ्रीका से बाउंड है, ईस्ट से ऑस्ट्रेलिया में बाउंड है, ठीक है। द साउदर्न ओशन इनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड्स। देखो जो इंडियन ओशन हो गया, अब साउथर्न ओशन जो इसकी बात कर रहे हैं, ये कितने कॉन्टिनेंट्स को कवर करता है? अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड, अंटार्कटिका से नॉर्थवर्ड जो है 60 डिग्री तक जो है एक्सटेंड करता है साउथ लैटिट्यूड तक, ओके। द आर्कटिक ओशन, अब है आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल में जो है ये ओशन लोकेट करता है एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल साइड है ये। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन। ये किससे कनेक्ट करता है? पैसिफिक ओशन से, बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शेलो वाटर नॉन एज बैरिंग स्ट्रेट। एक पतली सी बाउंड्री है वाटर की, मीन्स की थोड़ी सी जगह पे वाटर फ्लो करता है, जिसका नाम रखा गया है बैरिंग स्ट्रेट, ओके। इट इज़ बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट, ये बाउंड करता है नॉर्दर्न कोस्ट के नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। नॉर्दर्न कोस्ट है नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया के नॉर्दर्न कोस्ट में बाउंड करता है, ओके। तो ये हो गए हमारे 5 टाइप्स के ओशन। सबसे पहले हमारा हुआ पैसिफिक ओशन, देन अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। नाउ